क्या आपने स्नोवी आउल्स के बारे में सुना है? अगर नहीं सुने हैं तो सुन लो, जिसे पोलर आउल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये सफ़ेद उल्लू एक ट्रू आउल फैमिली से बिलोंग करता है। और दोस्तों, ये हीम उल्लू नॉर्थ अमेरिका और पैले आर्कटिक दोनों के आर्कटिक क्षेत्र के मूल निवासी हैं, जो मोस्टली टुंड्रा में ब्रीडिंग करते हैं। क्या ये स्नोवी आउल एग्रेसिव मतलब आक्रामक होते हैं? ये स्नोवी आउल्स टेरिटोरियल मतलब प्रादेशिक होते हैं और अपने एरिया की और बच्चों की रक्षा करते टाइम मोस्टली एग्रेसिव होते हैं। और ये बर्फीले उल्लू कहाँ सोते हैं? वेयर डू स्नोवी आउल स्लीप? तो उन्हें अक्सर ज़मीन पर, माउंड रॉक्स मतलब टीले की चट्टानों पर, बिल्डिंग्स या फेंसेस पर रेस्ट करते देखा जाता है। इज वाइट आउल गुड और बैड? क्या सफ़ेद उल्लू अच्छा है या बुरा? तो कुछ लोग कहते हैं कि यह गुड लक का साइन है, जबकि दूसरे मानते हैं कि यह मृत्यु का शगुन है। और फ्रेंड्स, कुछ कल्चर्स में उल्लू को बुद्धिमान और समझदार माना जाता है, इसलिए सफ़ेद उल्लू को देखना ज्ञान या समझ का प्रतीक हो सकता है। और दोस्तों, वर्ल्ड में केवल एस्टिमेटेड 28,000 से 30,000 तक स्नोवी आउल्स बचे हैं और जंगल में इस स्पीसीज को देखना बहुत ही रेयर है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय, टेक केयर।